अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, सेक्शन न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों से हुई भीषण मुठभेड़ के दौरान शहीद जवानों को आज गृह मंत्री अमित शाह ने जगदलपुर जाकर श्रद्धांजलि दी और कहा कि शहीदों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह ने जगदलपुर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, राज्य के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के अधिकारियों के साथ बैठक की तथा राज्य में नक्सलवाद की स्थिति की समीक्षा की। अधिकारियों ने बताया कि इसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हेलीकॉप्टर से नक्सल प्रभावित बीजापुर जिले के बासागुड़ा में स्थित सीआरपीएफ के शिविर के लिए रवाना हो गए। अमित शाह ने यहां सीआरपीएफ और पुलिस के जवानों के साथ चर्चा की तथा उनके साथ भोजन भी किया। अमित शाह ने अधिकारियों के साथ चर्चा के दौरान इस बात की समीक्षा भी की कि ऑपरेशन के दौरान कहां गलतियां हुई। इसके बाद अमित शाह ने राजधानी रायपुर आकर घायल जवानों से मुलाकात की। अमित शाह ने इससे पहले रविवार को अपने सारे राजनीतिक कार्यक्रम रद्द कर दिल्ली में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर छत्तीसगढ़ के हालात पर चर्चा की और आगे की रणनीति बनाई। जो मुठभेड़ यहाँ पर हुई नक्सलियों के साथ, उसमें डीआरजी, छत्तीसगढ़ पुलिस, सीआरपीएफ और कोबरा बटालियन के जो जवान शहीद हुए हैं उनको मैं भारत सरकार की ओर से, पूरे देश की ओर से, देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की ओर से श्रद्धांजलि देता हूँ। उनका ये सर्वोच्च बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। ये लड़ाई को निर्णायक मोड़ पर पहुंचाने के लिए उनका बलिदान देश हमेशा याद रखे। विगत कुछ वर्षों में नक्सलियों के खिलाफ लड़ाई निर्णायक मोड़ पर पहुंची है और इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना ने इसको और आगे बढ़ाने का काम किया है। हम दो मकाम और आगे बढ़े हैं। आज छत्तीसगढ़ शासन के मुख्यमंत्री बघेल जी के साथ सभी फोर्स के अफसरों के साथ अभी रिव्यू मीटिंग भी की और रिव्यू मीटिंग के अंदर ये लड़ाई की गति किसी भी तरह से कम न हो, ये सुझाव अफसरों की ओर से ही आया, जो बताता है कि हमारे जवानों का मॉरल अभी भी इंटैक्ट है और आगे बढ़ा है। और मैं देश को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि लड़ाई रुकेगी नहीं और गति के साथ आगे बढ़ेगी और इसको हम अंजाम तक ले जाएंगे। ये लड़ाई में अंत में नक्सलवादियों के खिलाफ हमारी विजय निश्चित है। इसके अलावा बताया जा रहा है कि सुरक्षा बलों पर घात लगाकर किए गए हमले में करीब 400 नक्सली शामिल थे। इस भीषण हमले में हमारे 22 जवान शहीद हो गए। इस हमले के बारे में अधिकारियों ने बताया है कि नक्सलियों ने उस इलाके में सुरक्षा बलों को तीन ओर से घेरकर उन पर कई घंटे तक मशीन गन और आईईडी से हमला किया। माना जा रहा है कि इस मुठभेड़ में 10 से 12 नक्सली भी मारे गए हैं, लेकिन नक्सली अपने साथियों के शव ट्रैक्टर ट्रॉली में डालकर ले गए। आइए आपको बताते हैं यह सारा वाकया हुआ कैसे। दरअसल सुरक्षा बलों के करीब 1500 जवानों की एक टुकड़ी ने बीजापुर सुकमा जिले की सीमा के आसपास के क्षेत्र में नक्सलियों की मौजूदगी की गुप्त सूचना पर तलाशी और उन्हें नष्ट करने का अभियान शुरू किया था। इस टुकड़ी में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ की विशेष इकाई कोबरा के जवान, इसकी नियमित बटालियनों की कुछ टीमें, इसकी बस्तरिया बटालियन की एक इकाई और छत्तीसगढ़ पुलिस से संबद्ध जिला रिजर्व गार्ड यानी डीआरजी और अन्य जवान शामिल थे। अधिकारियों ने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि नक्सली अपना एक आक्रामक अभियान शुरू कर रहे हैं। इसके बाद शनिवार तड़के जवान जगर गुंडा जोगा गुंडा तर्रेम क्षेत्र में रवाना हुए थे।
बताया जा रहा है कि इस दौरान सबसे वांछित माओवादी कमांडर और तथा कथित पीपुल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी यानी PLGA बटालियन नंबर 1 के नेता हिडमा और उसकी सहयोगी सुजाता के नेतृत्व में कम से कम 400 नक्सलियों ने उस क्षेत्र में सुरक्षा बलों पर घात लगाकर हमला किया, जिसे दुर्गम घने जंगल और सुरक्षा बलों के शिविरों की कम संख्या के चलते नक्सलियों का गढ़ माना जाता है। नक्सलियों ने सुरक्षा कर्मियों पर घात लगाकर हमला किया और उन्हें तीन तरफ से घेर लिया और उन पर भारी गोलाबारी की। सूत्रों के मुताबिक अस्पतालों में भर्ती घायल जवानों ने यहां तक बताया है कि सुरक्षा बलों की पूरी मूवमेंट की जानकारी नक्सलियों तक पहुंच रही थी, जिसके चलते सुरक्षा बलों को घेरने में नक्सली कामयाब रहे। बताया जा रहा है कि हमले में घायल सुरक्षा कर्मियों को वहां से निकालने के लिए हेलीकॉप्टर की सेवा मांगी गई, लेकिन पहला हेलीकॉप्टर शाम 5 बजे के बाद ही वहां उतर सका, जब गोलीबारी रुक गई। हमले के दौरान सुरक्षा कर्मियों ने बड़े पेड़ों की आड़ ली और तब तक गोलीबारी जारी रखी जब तक उनके पास गोलियां समाप्त नहीं हो गई। बताया जा रहा है कि नक्सली शहीद हुए जवानों के लगभग 2 दर्जन अत्याधुनिक हथियार भी लूट ले गए। वहीं सुरक्षा अधिकारियों ने कहा है कि क्षेत्र में तलाशी अभियान अभी भी जारी है। जहां तक इस मुठभेड़ में शहीद हुए 22 जवानों की बात है तो उसमें CRPF के 8 जवान शामिल हैं, जिसमें से 7 कोबरा कमांडो से जबकि 1 जवान बस्तरिया बटालियन से है, बाकी DRG और विशेष कार्यबल के जवान हैं। बताया जा रहा है कि CRPF के एक इंस्पेक्टर अभी भी लापता हैं और यह माना जा रहा है कि वह नक्सलियों के कब्जे में जिंदा हो सकते हैं। अधिकारियों ने बताया है कि सुरक्षा बलों के अधिकतर जवान गोली लगने से शहीद हुए, जबकि एक के बारे में संदेह है कि वह बेहोश हो गए और बाद में पानी की कमी होने के चलते उनकी मृत्यु हो गई। जहां तक इस घटना के बारे में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की प्रतिक्रिया की बात है तो उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को मुठभेड़ की जानकारी देते हुए बताया कि नक्सलियों ने केवल अपनी मौजूदगी दिखाने के लिए हिंसा की है, क्योंकि लोगों का माओवादी विचारधारा से मोहभंग हो रहा है। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय गृह मंत्री से कहा कि सुरक्षा बलों का मनोबल ऊंचा है और वे इस लड़ाई में नक्सलियों के खिलाफ जीत हासिल करेंगे। बघेल ने कहा कि राज्य सरकार हिंसा के इन कृत्यों से डरती नहीं है और उसने राज्य के हर हिस्से में विकास करने का संकल्प लिया है। लगभग 2000 जवान ऑपरेशन पे निकले थे, 5 अलग अलग टुकड़ियों में थे, 4 टुकड़ी सकुशल लौट गए, 5वीं टुकड़ी में जिसमें लगभग 400 से 450 जवान थे, जिसमें सेंट्रल फोर्स के भी थे और स्टेट फोर्स के भी लोग थे। ये वो एरिया है जो नक्सलियों का गढ़ माना जाता है और वहाँ हमें जाके कैंप स्थापित करना था और इससे वो बहुत बखलाए हुए थे। ऐसे स्थिति में वो छुप के वार किए, लेकिन हमारे जवानों में डट के मुकाबला किया। ये मुठभेड़ नहीं हुई है, ये इसको युद्ध कह सकते हैं। आमने सामने 4 घंटे तक की लड़ाइयाँ चली है। नक्सलियों को भी भारी नुकसान हुआ है। जो हमको जो सूचना मिली है वो 4 ट्रैक्टर में घायल और उसके डेड बॉडी को ले जाने के लिए 4 ट्रैक्टरों का प्रयोग किया। मतलब समझ सकते हैं कितने बड़े तादाद में नक्सलियों को नुकसान हुआ है। इसी बात से अंदाज़ा लगा था, 4 ट्रैक्टर लाए गए जिसमें भर के उनके डेड बॉडी और घायलों को ले जाया गया। नुकसान निश्चित रूप से हुआ है, लेकिन बहुत बहादुरी से संयुक्त ऑपरेशन में हमारे जवानों ने लड़ाई लड़ी है। मैं उन बहादुरों को नमन करता हूं और जिनकी शहादत हुई है उसके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। बिल्कुल चूक नहीं है, ये कोई कैंप में हमला नहीं हुआ है या लौटते हुए हमला नहीं हुआ है। हम उसे घेरने निकले थे और कैंप स्थापित कर रहे हैं। लगातार आप सुकमा की तरफ से, बीजापुर के तरफ से, दंतेवाड़ा की तरफ से हम लगातार बढ़ते जा रहे हैं, कैंप स्थापित करते जा रहे हैं। नक्सली अब 40x40 वर्ग किलोमीटर में वो सिमट के रह गए हैं। उनकी बखलाहट ये है और हमारा ऑपरेशन रुकेगा भी नहीं। जो कैंप हम 2 कैंप इस महीने में स्थापित करने वाले थे उसे भी स्थापित करेंगे। और ये वो जगह है, ये दोनों हमारे कैंप खुलने के बाद
जो नक्सली को जो मूवमेंट है जो माड़ एरिया में जो जाते थे वो ब्लॉक हो जाएगा और उसके बाद उसकी गतिविधियां सीमित हो जाएगी, तो ये उसकी बखलाहट है। और हमारा ऑपरेशन रुकेगा नहीं, हमारे जो जवान शहीद हुए हैं वो जाया नहीं होगा, ऑपरेशन हमारा चलेगा, कैंप हम स्थापित करेंगे, सड़क हम बनाएंगे, लोगों की जो कनेक्टिविटी उसे देंगे, जो आम जनता की जो सुविधा है उसे हम प्रोवाइड करेंगे।